प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेक्स। मुमरा के कैलाश नगर में 13 साल की लड़की ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार शाम के वक्त करीब 4 से 5 बजे के आसपास में ये घटना सामने आई है। मृतक लड़की का नाम मीनाक्षी चौधरी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 13 साल है। कैलाश नगर के दाऊद बिल्डिंग के सामने ही अनूपचंद चौधरी कपड़े इस्त्री करने के साथ साथ कांदा बटाटा बेचने का काम करते हैं। साथ में बीवी और बच्चे भी रहते हैं। अनूप चौधरी ने बताया कि लड़की शाम के वक्त घर के ऊपर वाले कमरे में जाकर अपनी जान दे दी। परिजन और आसपास के लोगों को जब इसकी जानकारी लगी तो लड़की को तत्काल बुरहानी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना है कि मीनाक्षी ने ऐसा क्यों किया किसी को नहीं मालूम। हालांकि घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए कलवा हॉस्पिटल भेजने की तैयारी में है और आगे पुलिस तहकीकात में ही मीनाक्षी की मौत की सच्चाई सामने आएगी कि आखिर मीनाक्षी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। क्या नाम है आपका? अनूपचंद चौधरी। और आपकी लड़की का क्या नाम? सुभाषी चौधरी। क्या हुआ था जैसा जो उसने ऐसा कदम उठाया? कुछ बताए, बातचीत हुए? कितने बजे हुआ ये मुझे मालूम, सुबह बाथरूम में था ये, जब चिल्लाई ना तब मुझे मालूम पड़ा। कितना साल हुआ? 13 साल, 14 साल। कभी कुछ आप लोगों को ऐसा बताई उसको क्या तकलीफ है, क्या नहीं तकलीफ है? कभी कुछ नहीं। पुलिस को बताया आपने? पुलिस को इन्फॉर्म किया ये मामले को? नहीं, कुछ नहीं।